न तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूं चुकाऊंगा इस मिट्टी का कर्ज, और जब मरूं तो तिरंगा बस कफन चाहिए। बाहर की अलग है, वो इतिहास अलग है आजादी के पहले का, लेकिन सीमाओं के अंदर का इतिहास अलग है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो देश में अंदर भी इसके बाद बहुत सारे युद्ध हुए, उसकी भी बात कर सकते हैं। लेकिन समझना यह जरूरी है कि वतन सिर्फ इतना जान लो यार कि वतन के हर राज्य, वतन की जगह, ये वतन बना कैसे और इसके लिए कितना लहू बहा है। आज देश, जब हम बात करते हैं ना इस वतन की दोस्त, ये किसी के बाप की बपौती नहीं है। मेरे भी पूर्वजों ने, आपके भी पूर्वजों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जो बट गए ना आजादी के बाद, हम फिर से बिकने वाले और हम फिर से गुलाम होने वाले, ये मेरी बात याद रखना। क्यों? क्योंकि हम बट रहे हैं, वही कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने हमें किया था लात मार के। अंग्रेज क्योंकि समझ गए थे कि वो आपसे जीत नहीं सकते थे, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी ताकत थी हमारी एकता, अखंडता, हम सब मिलकर रहते थे। बटो मत यारो, धर्मों में मत बटो, कभी आधे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में बट रहे हैं, कोई रिजर्वेशन के लिए बट रहे हैं। आखिरी वही लाइन है ना कि कभी कोई, देखो हम कुछ लोगों को देखो कि कुछ वोटों के लिए मर गए, कुछ नोटों के लिए मर गए, कुछ रिजर्वेशन, जाट, पंडित, ब्राह्मण, मुस्लिम, हिंदू, सिख ईसाई में मर गए। ऊपर बैठे होंगे वो क्रांतिकारी और शहीद फौज के, सोचते होंगे हम भी किन किन के लिए मर गए। समझ लेना यार, उनकी शहादतों पर सवाल मत उठाओ। तिरंगा जो फहरा रहा है ना, बहुत लहू है लोगों का, उसकी इज्जत कीजिए। मिलकर रहिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, महिलाओं का सम्मान कीजिए, भारत का संविधान का सम्मान कीजिए, इसके राष्ट्रीय चिन्हों का सम्मान कीजिए। मिलकर रहिए और इस वतन को बेहतर बनाने के लिए अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकते हैं वो करिए, अपनी जिम्मेदारियां लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। भारत में शिक्षकों की या शिक्षा की बहुत पुरानी परंपरा, ये हमें विश्व गुरु कहा जाता है। अब आप कहेंगे सर ये विश्व गुरु का मतलब क्या होता है, ऐसे ही भारत को विश्व गुरु कहा क्यों कहा जाता है, तो आप एक एग्जांपल से समझिए। हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय के 94 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। 1994 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत से आधिकारिक दौरा पर ओमान गए। ओमान की राजधानी मस्कत पर जब हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का हवाई जहाज लैंड किया, तो ओमान के जो किंग थे, वहां के राजा, वो कभी किसी को रिसीव करने एयरपोर्ट पर नहीं जाते। ये प्रोटोकॉल मतलब नियम कानून होता है, किसी देश के राष्ट्रपति वगैरह नहीं जाते जब तक कोई बहुत खास मेहमान नहीं आ जाता। और लेकिन वहां पर किंग जो है वो प्रोटोकॉल तोड़ दिए, और अमूमन अगर कोई प्रोटोकॉल तोड़ के आता भी है तो वो रिसीव करने के लिए नीचे खड़ा रहता है और राष्ट्रपति खुद उतर के आते हैं। लेकिन ओमान के राजा के, यानी ओमान के किंग के साथ ऐसा नहीं हुआ। हमारे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा अभी हवाई जहाज में बैठे ही थे तो ओमान के किंग सीढ़ियों से चढ़कर खुद गए और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को उनके सीट के पास से जाकर रिसीव करके उन्हें लेकर आए थे। जब ड्राइवर्स और बॉडीगार्ड ने उनको कहा गाड़ी में बैठे, तो वहां के किंग ने ड्राइवर को हटाकर खुद ड्राइव किए थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के गाड़ी को, हमारे राष्ट्रपति साहब के, और उन्हें इतना इज्जत दिया गया था जो इससे पहले ओमान में किसी विदेशी गणमान्य को ऐसी इज्जत नहीं मिली थी। जब मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि आखिर शंकर दयाल शर्मा में ऐसा क्या खास है जो आपने इतने सारे प्रोटोकॉल्स तोड़ दिए, आज तक किसी राजा या किसी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को इज्जत नहीं मिली, तो ओमान के किंग ने कहा कि जब मैं स्टूडेंट था और भारत में पढ़ाई कर रहा था, तो उस समय पुणे में जब उनकी पढ़ाई चल रही थी ओमान के किंग के, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा वहां पे उनके शिक्षक थे, वो वहां पे प्रोफेसर थे, तो उनका कहना था मैंने किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को वो इज्जत नहीं दिया, बल्कि मैंने अपने गुरु को ये सम्मान दिया, उन गुरु के लिए मैंने इतने सारे प्रोटोकॉल तोड़े। इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। प्राचीन काल से आज तक बहुत सारे लोग भारत में आते हैं शिक्षा लेकर और बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंचे हैं। उसके बाद से अभी तक कई सारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अलग अलग देशों के ओमान में गए, लेकिन उन्हें जो प्रोटोकॉल के तहत ही एक सम्मान मिला, वो सम्मान आज तक किसी को ओमान के किंग द्वारा नहीं मिला जो हमारे शंकर दयाल शर्मा जी को मिला था। जिसने हर वक्त में मोटिवेशन किया, चाहे कहीं पे भी स्कूलिंग लाइफ में कभी मार्क्स खराब आ जाना, कभी इस सब में, तो टीचर्स हमेशा सपोर्ट में किए। एक बार हमको याद है कि ग्रेजुएशन में बीएससी में थे हम, मेरा मार्क्स बहुत ही खराब थे ग्रेजुएशन, 49% था, इतना कम बहुत खराब होता है, ये तो एक नॉर्मल से भी लड़कों का भी इससे ज्यादा ही आता है, मार्क्स बहुत कम आए थे, हम टेंशन में हो गए थे वहां पे, तो उन्होंने कहा टेंशन क्या लेते हो, लाइफ में टॉप करो, स्कूल या एग्जाम में टॉप किए ना किए कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। इसलिए किसी भी लाइफ की एंट्री भले खराब हो लेकिन एग्जिट एकदम तगड़ा होना चाहिए। आपका बचपना भले गरीबी में बीता हो लेकिन आपके माँ बाप की बुढ़ापा कभी गरीबी में नहीं बीतनी चाहिए। और लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकते हैं। और बुरा वक्त से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ही बताता है कि लोग क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। लाइफ में सबके साथ चैलेंजेज आते हैं, सबके जीवन में कठिनाइयां आती हैं, कठिनाइयों का आना एक
पार्ट ऑफ लाइफ है और उससे जीत कर निकल जाना एक आर्ट ऑफ लाइफ है। सबके जीवन में संघर्ष आते हैं, हम लोग के समय में भी आए थे, बहुत सारे लोग ठग के चले गए। हमको तो इतना ज्यादा ठगा गया कि हम पटना केवल इसीलिए रुके कि हमको घर जाने का पैसा नहीं छोड़ा था, इस तरह से हमको यहाँ पर नोच लिया था लोगों ने। लेकिन हम धैर्य रखे, अपने टीचर से बात किए तो उन्होंने काफी मधुर भाषा में बोला कि देखो बेटा, जीवन में किसी को ठगना पाप है, ठगा जाना कभी पाप नहीं है। तो तुम्हें कोई ठग रहा है तो ये उसकी गलती है, जीवन में तुम किसी को मत ठगना। क्योंकि हम किसी भी इंसान के सीसीटीवी कैमरे से बच सकते हैं, लेकिन जो ऊपर वाले ने सीसीटीवी कैमरा लगाया है उससे कोई नहीं बच सकता।